हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम बनाएंगे एक बहुत सुंदर सी मनी प्लांट के लिए लीडर, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम लेंगे एक पाइप, ये प्लास्टिक का पाइप है, और इसको हम एक रस्सी होती है तो उसी से ही पूरा कवर करेंगे। तो हॉट ग्लू गन की हेल्प से हम इसको पूरी स्टिक पे चिपका देंगे इस तरीके से, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ये देखिएगा, स्टार्ट करते हैं यहाँ से और इसको पूरा कवर कर देते हैं। तो धीरे धीरे करके हम जो है ये पूरी स्टिक को इस रोप से कवर कर देंगे। तो देखिएगा मैं किस तरीके से इसको कवर कर रही हूँ, इसी तरीके से आप भी कवर कीजिएगा। तो धीरे धीरे करके हम इसको पूरा कवर कर देंगे, देखिएगा। तो हम आ गए हैं पूरे टॉप तक। अब हम क्या करेंगे, इसको मैंने यहाँ पे एक छोटा सा होल बनाया हुआ है, जिसमें हम जो वायर मैंने तैयार की है वो इसमें फिक्स करेंगे। तो ये हमारा फिनिश हो गया है। अब हम इसे ग्लू की हेल्प से चिपका देंगे। मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है और हमारा अभी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। देखिए ये हमारा तैयार हो गया है। इसको एक साइड में रखेंगे। अब हम लेंगे एक वायर, ये थोड़ा सा हार्ड वायर जो कपड़े सुखाते हैं ना, उसी तरीके से आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा ये। और हमको इस वायर को एक स्प्रिंग की तरह रोल करना है, देखिए इस तरीके से, जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। आप पॉट के हिसाब से, जो पॉट का फेस होता है उसके हिसाब से इसका सर्कल हमें तैयार करना है। तो मनी प्लांट के लिए बहुत अच्छी सी सीढ़ी तैयार हो जाएगी, और इसको भी हमें जो रस्सी है उसे कवर करना है। देखिए ये स्टार्टिंग से, जैसे आप देखेंगे यहाँ से पहले ऐसे करेंगे हम थोड़ा सा, और फिर बैक करके इस पूरे वायर को इस रोप से कवर कर देंगे। ये बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरीके से मैंने आधा इसको कवर कर दिया है, और धीरे धीरे करके हम पूरा इसको एंड तक फिनिश कर लेंगे। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि ये राउंड में तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो देखिएगा हमने पूरा कर दिया है। अब हम इसको हॉट ग्लू गन की हेल्प से चिपका देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है पोथोज या मनी प्लांट के लिए। हम छोटा सा मनी प्लांट लगाते हैं, और जो जिस तरीके से हमारी ये सीढ़ी तैयार होगी उसी तरीके से हमारा प्लांट जो है उसके ऊपर चढ़ता चला जाएगा। कैंची की हेल्प से हम कट कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया है हमारा स्प्रिंग स्टैंड, और मैंने जो ये तैयार की थी स्टिक। अब हम लेंगे पॉट, उसमें थोड़े से कुछ मोटे स्टोन्स या पत्थर्स होते हैं, आप इस तरीके से उसमें बिछा दीजिए, ताकि हमारा ड्रेनिंग होल सही बना रहे, इसमें पानी ना रुके और हमारा जो होल है वो भी इससे कवर ना हो। हम लेंगे अब ये स्टिक जो मैंने अभी बनाई है, इसको बिल्कुल सेंटर में हम इसको फिक्स कर देंगे, और ये जो स्प्रिंग है हम इसको बिल्कुल सेंटर में ला के, इसको मैंने बताया था जैसे कि पॉट के फेस के हिसाब से इसको सेट करेंगे। अब इसमें मैंने ऊपर एक छोटा सा होल किया था, और उसी में ही हम इस वायर को फिक्स करेंगे। तो मैंने उस होल में जो है वायर को फिक्स कर दिया है, देखिएगा इस तरीके से। और हम इसमें अब भर देंगे मिट्टी साइड में, पहले आप थोड़ी थोड़ी मिट्टी भरिएगा।
पहले अच्छे से इसको आप सेट कर लो ताकि इधर उधर ना हिले। देखिएगा मिट्टी से मैंने इसको कवर कर दिया। अब हमारा ये सेट हो गया है। मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि ये बिल्कुल हिले ना और फिक्स हो जाए। ये है छोटा सा पोथोस यानी कि मनी प्लांट, ये गोल्डन मनी प्लांट है और मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था, जो कि मैं अब इसमें जो मैंने ये लेडर बनाया है उसी में ही इसको लगाऊंगी ताकि ये उसी शेप में ग्रो करे। बहुत सुंदर प्लांट होता है घर के लिए, हाउस प्लांट है और फुली इंडोर प्लांट है, आप इसको फुल इंडोर रख सकते हो। देखने में ये प्लांट बहुत सुंदर लगता है, इसको गोल्डन पोथोस बोलते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से लगा लिया है जहाँ ये स्टैंड मैंने लगाया था, और उसको हम एक छोटा सा वायर होता है उससे फिक्स कर देंगे। देखिए मैंने वायर लिया है और उसी से हम इसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ अगर आप इसको बांध दोगे ना तो फिर ये उसी शेप में ग्रो करना शुरू करेगा। आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे जैसे जैसे ये ग्रो होता जाएगा, थोड़ी थोड़ी सी दूरी में आप इस ये इसको पौधों को बांधते जाइएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा लुक आया है जो आपको दिखाई दे रहा है। और मैंने कुछ बर्ड्स तैयार किए हैं, ये थर्माकोल से बर्ड्स बनाए हैं, छोटा सा एक नेस्ट है बर्ड्स का, ये भी मैंने जो नारियल के छिलके होते हैं उससे बनाए। हम यहाँ लेंगे थोड़े राइसर्स और इसको हम पॉट को कवर कर देंगे ताकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल बना रहे। अगर हम इसको 8-10 दिन के अंदर पानी देंगे इससे काफ़ी हेल्प होगी, जल्दी जल्दी पानी हमें नहीं डालना पड़ेगा इससे राइसर्स की हेल्प से, क्योंकि ये पानी ऑब्जर्व कर लेता है। कुछ मेरे पास पीबल्स हैं बिल्कुल गोल हैं छोटे छोटे से और पानी की तरह के शेप में हैं, ये देखिएगा आपको ईजिली ये शॉप पर मिल जाएंगे, आप इनको परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन भी आते हैं, आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। तो मैं इसको अपना पॉट जो तैयार किया है देखिए इस तरीके से यहाँ पूरे पॉट को कवर कर दूँगी, देखिएगा कितना सुंदर लग रहा है ना, और काफ़ी शाइनिंग भी आ रही है इसमें। और गोल्डन पोथोस है और वाइट कलर के पीपल्स हैं तो इसकी ब्यूटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। मैंने कुछ बर्ड्स भी देखिए इस तरीके से यहाँ पर लगा दिए हैं, आप देखते हो ये बर्ड्स मैंने खुद ही बनाए हैं थर्माकोल से। और यहाँ पे छोटा सा इनका नेस्ट देख रहे हो आप, यहाँ मैंने इसको हैंग कर दिया है। यहाँ पर कुछ इसके एग भी हैं और बर्ड्स का पेयर है, बहुत सुंदर लगता है जब आपका पोथोस राउंड करके इस पर क्लाइंब करेगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। घर में बना हुआ है बहुत सुंदर लगता है। अब फाइनल लुक कुछ इस तरीके का है, देखिएगा देखने में कितना सुंदर लग रहा है। आप इसको फुली इंडोर रखिएगा फ्रेंड्स, वाकई में बहुत खूबसूरत लगेगा। आपको वीडियो कैसा लगा हो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को फुल एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। देखिएगा देखने में कितना सुंदर है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।